कुछ बातें हमेशा याद रह जाती हैं, बहुत चुभती हैं। कोई ऐसी बात आज आप शेयर करना चाहें जब उस वक्त भी जब कही गई हो आपको बहुत बुरी लगी हो? देखिए, मैं कई बातें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे आज भी याद है कि जैसे मैं किसी के घर से डेड बॉडी उठाने गया था, तो उन्होंने सोचा कि ये ड्राइवर है एम्बुलेंस का। उनको नहीं पता था कि मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल का फाउंडर हूँ या प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने जब मैं डेड बॉडी मैंने हॉस्पिटल से घर छोड़ी तो मुझे कहते हैं, भाई साहब आपको कितने पैसे दें? तो मैंने कहा, जी किस बात के पैसे? कहने लगे, नहीं आपने इतनी हमारी सेवा करी है ये। मैंने कहा, जी मैं पैसे नहीं लेता, मैं सेवा में पैसे नहीं होते हैं, बिजनेस में पैसे होते हैं। तो उन्होंने पापा की जेब में से जितने पैसे निकले थे, एक भाई ने दूसरे को निकाल के दे दिए, कहते रख ले अपनी जेब में, हमारे काम आ जाएंगे, सरदार तो पागल लगता है हमें नहीं ले रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पागल ही ठीक हूँ, जुनून पागलों में ही होता है और पागल कुछ कर जाते हैं जीवन में। तो वो बात चुभी भी और शिक्षा भी मिली मुझे। और ये तो मैंने कोविड में भी देखा है अभी, कि जिन परिवारों ने अपने पिता की लाश को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब हम लाश लेके निकलते थे तो एक दो परिवारों ने कहा, जी दो मिनट रुकिए, दर्शन करने हैं। तो मैंने सोचा शायद इनके मन में भावना आ गई कि पिता के दर्शन करने हैं, लेकिन वो आए, मॉर्चरी बैग को खुलवाया, पिता के हाथ में पहनी हुई अंगूठी को उतारा, ले गए। दो बच्चे आए, वो पिता की जेब में से चाबियाँ निकाल के ले गए कि पिताजी साथ क्यों ले जा रहे हैं, हम तो अभी तो अलमारी भी खोलनी है, पैसे भी लेने हैं। तो वो जिन इन चीज़ों ने मुझे बहुत झकझोर दिया कई बार। मुझे सच बोलूँ, मुझे इससे ना नफरत सी होने लगी कि यार ये जो हम कर रहे हैं जीवन में, ये तो बड़ा नकलीपन सा है। और एक बार तो बड़ा अजीब हादसा हुआ कि एक करोड़पति व्यक्ति थे जिनके 800 गज का मकान था, और आज से 15-20 साल पहले किसी को 2 लाख किराया होता तो बहुत बड़ी बात है, इतना उनको रेंट आता था। उनके बच्चे भी वेल सेटल थे, वो भी वेल सेटल थे। तो उनकी मृत्यु हो जाती है और 4 बजे शाम को मुझे कहते हैं कि एम्बुलेंस चाहिए। मैंने एम्बुलेंस खड़ी कर दी, और मुझे जब मैं खड़ा रहा तो मैंने कहा 6 बज गए, लेके क्यों नहीं जा रहे? कहने लगे, जी इनके बच्चों ने सेवा नहीं की थी बिल्कुल भी। तो अब जाते जाने के बाद जब उन्होंने चेक किया विल को, तो विल में सारा कुछ वो डोनेट कर गए हैं कई अलग अलग संस्थाओं को, इधर धार्मिक संस्थाओं को। तो बच्चे कहते हैं, जी हम क्यों संस्कार करें, हम वही करें आगे जिनको डोनेट किया है, हमारे नाम तो पापा ने कुछ करा ही नहीं है। वो बात मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा जो वहाँ के लोग थे स्थानीय, मैंने कहा जी मैं संस्कार करने को तैयार हूँ, और अब लाइए हम लेके चलते हैं। और मैंने किया संस्कार, बाद में उन लोगों ने अपने पापा की क्रिया भी नहीं करी। तो सोचिए, आप कह रहे हो कि गरीबों का मैं कई बार लावारिस लाशें, लेकिन यहाँ तो इतने पैसे वाले व्यक्ति के भी परिवार ने लावारिस सा छोड़ दिया। हाँ, ये रिश्ते देखिए, मैं आपको गुरबाणी में लिखा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, प्रीत यानी रिश्ता, अपने सुख से ही सब लागे क्या दारा क्या मीत। दारा पत्नी होती है, मीत रिश्तेदार होते हैं, सब अपने सुखों से लगे हुए हैं। गुरबाणी में 500 साल पहले लिखा गया, और आज वो सत्य हो रहा है ना। देखिए ना, आप एक जानकार मेरे बहुत करीबी थे, उनके पति को कुत्ते ने काट लिया और उनकी डेथ हो जाती है। मैं ही हॉस्पिटल लेके गया, रैबीज हो गया, पूरा परिवार गायब हो गया। जी मैंने कहा, जी कहाँ गए हैं? कह रहे जी तो इंजेक्शन लगवाने गए हैं, उनको रैबीज ना हो जाए, संस्कार करने वाला कोई नहीं, सब डर रहे हैं, माथा टेकने के लिए 15 फुट दूर खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ, मुझे नहीं होगा रैबीज, चिंता मत करो, मैं करता हूँ ना। कोई और ऐसा इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें जहाँ आपको लगा हो कि बिल्कुल रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है ये सब सुनकर देखकर? तो देखिए, जीवन में मैंने एक बात नोट करी है कि लोग पहल नहीं करते। मैं 3 हादसे ऐसे बताऊंगा जिसमें मेरे जाने से प्रयास करने से 3 जाने बच गई। अच्छा। मैं सड़क पर जा रहा हूँ और एक एक्सीडेंट हो जाता है एक टेम्पो का, और टेम्पो पलट जाता है और भीड़ खड़ी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, अरे अरे बहुत बुरा हो गया, या वीडियो निकालते हैं, शॉट लेके चले जाते हैं। तो मेरे पास दिमाग, अच्छा मैं तकरीबन बता दूँ आपको अपनी खासियत, मैं 25 साल से एम्बुलेंस में चलता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हमेशा अपनी गाड़ी में, अभी मेरी गाड़ी में सब सामान मिलेगा आपको, स्ट्रेचर से लेकर डेड बॉडी बैग तक, कफन तक मिलेगा आपको मेरी गाड़ी में, फर्स्ट एड भी मिलेगा। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा क्या हुआ भाई इसको? कहते जी कोई ट्रक मार गया है और इसकी डेथ हो गई है। तो मैं नीचे उतरा, मैंने उसकी पल्स देखी तो उसकी पल्स चल रही थी। मैंने उनको गाड़ी में डाला, मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे, मैंने कहा फटाफट जल्दी स्ट्रेचर निकालो, पब्लिक में से कोई हाथ नहीं लगाता है डर के मारे।
और मैं सीधा GTB हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने जाते ही मुझे कहा इसकी डेथ हो गई है, आप कहाँ से लाए हैं? मैंने कहा सड़क से लाए हो भाई, पुलिस केस है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पुलिस केस है तो मेरा नाम लिखिए, पुलिस केस करिए, क्या दिक्कत है, लेकिन आप मुझे इसका ECG करके दिखाइए। तो जब ECG किया तो चल रहा था वो, आधे घंटे की मेहनत में तो ठीक हो गया, बच गया। मैं वापस वहाँ आया, उसके पहले तो जेब में से कागज़ निकाल के परिवार को फ़ोन किया, परिवार वाले आ गए वहाँ। मैं वापस आया और मैंने पब्लिक को कहा, मैंने कहा भी वो तो बंदा ठीक हो गया। वहीं पुलिस वाले आ गए, कह रहे जी आप लाश कैसे ले गए उठा के? मैंने कहा जी आपको किसने कहा लाश है? कह रहे हम देख के गए, लाश थी, हम तो ट्रक पकड़ने गए थे। मैंने कहा जी पकड़ लिया ट्रक उन्होंने आपने? कह रहे नहीं जी। मैंने कहा मैंने लाश को पकड़ लिया और ज़िंदा कर दिया। कहाँ पे है? मैंने कहा GTB में। वो भी हैरान हो गए। ऐसे मैं एक डेथ पे गया, सॉरी जागरण पे गया, रात के 10 बजे, तो सब लाइटें बंद। मैंने कहा क्या हो गया, अभी जागरण नहीं हो रहा? कह रहे हो रहा था, लेकिन एक व्यक्ति की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई है। मैंने कहाँ है वो? कहते जी वो पड़ा हुआ फुटपाथ पे। तो मैंने जाके उसकी पल्स चेक करी, माथे पे भी हाथ रखा तो उसकी पल्स चल रही थी, छाती पे हाथ रखा तो छाती भी धड़क रही है, लेकिन दिमागी तौर पे उसको शॉक लगा था इसलिए वो गिर गया। तो मैंने अपनी एम्बुलेंस में डाला, दो दोस्त बिठाए, मैंने कहा तो हाथ पैर मलो खूब। 7-8 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल वाले जैसे जाते क्या देते हैं, अरे अरे आप कैसे ले आए उठा के, और ये तो मर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मर गया तो आप चेक करिए ना इसको, हमारे सामने इनका प्रॉपर ECG करिए, देख लेंगे हम, मर गया तो ऑक्सीमीटर लगाइए। वही बात हुई, जब ECG कर रहा था उसका ECG चल रहा था, उन्होंने शॉक दिया उसको, 20 मिनट के बाद जिंदा हो गया। उधर से मेरे को उनके परिवार वालों का फ़ोन आया कि अरे शंटी जी आप डेड बॉडी उठा के ले गए, उनका पोस्टमार्टम मत होने देना, ये हुआ। मैंने कहा वो जिंदा है, हैं जिंदा है? मैंने कहा हाँ जिंदा है। तो वो प्रयास कितना सफल हुआ देखिए आप, अगर मैं कोशिश ही ना करता, मैं सोचता कि तो मरा पड़ा यार, छोड़ो मैंने कह लेना है, अच्छा बड़ा अफसोस, लोग अफसोस करके चले जाते हैं। वो एफर्ट्स जो है ना जिंदगी में, वो कभी भूलते नहीं है कि मैंने किए थे और वो काम आए, और व्यक्ति आज भी जिंदा है और मुझे मिलते हैं, और ऐसे मिलते हैं जैसे वो सबको ये कहते हैं आपने जान बचाई। यस क्यों नहीं।